हेलो, हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले चैप्टर 3 तक हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र का। प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के देख रहे हैं। 17 क्वेश्चन तक देख चुके हैं हम लोग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स एंड प्रोविजंस, शेड्यूल और उसके बारे में, इन सब से रिस्पेक्ट में क्वेश्चन हैं। आज जो क्वेश्चन है वो लिस्ट के बारे में है, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, और इनके काफ़ी एंट्रीज भी होती हैं, आपको ये याद रखना। आपको मैं एक मुफ्त की सलाह देना चाहता हूँ, अगर आपके पास वक्त हो तो, जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनको आप ध्यान से एक दो बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर उठाए जाते हैं। क्योंकि 42nd अमेंडमेंट के बाद कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में, मैं आपको ये पहले बता देता हूँ, स्टार्टिंग में 97 सब्जेक्ट थे सेंट्रल लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद में स्टेट लिस्ट में 66 यानी 66 जो है इसमें सब्जेक्ट थे, और जो कंकरेंट लिस्ट था उसमें 47 एंट्रीज थी, इतने सब्जेक्ट थे जिस पर कानून बनाने का अधिकार था, यानी 97 जो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सेंटर कानून बना सकती है, 66 पर स्टेट, और जो कंकरेंट लिस्ट थी 47 थी। लेकिन कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, कई बार कई सारे विवाद खड़े होने लगे, जिसके कारण इस यहाँ से चीज़ें निकाल करके इसमें डाल दी गई। तो वर्तमान समय में अगर 66 की जो संख्या है, 66 की संख्या है वो 59 हो गई है। और उसके बाद अगर आप देखें कंकरेंट लिस्ट जो है यहाँ से 47 से बढ़ करके अभी 52 है। ये सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 42nd अमेंडमेंट के बाद काफ़ी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो अभी ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2015 में पूछा गया है अबाउट फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फोर्थ शेड्यूल, हम इससे पहले ही कई बार शेड्यूल पर बात करते रहे हैं। पॉलिटिकल डिफेक्शन जो है वो 10th शेड्यूल में बात किया गया है, पंचायती राज जो है 11th में, लैंग्वेज वो 8th शेड्यूल में बात की गई है। फोर्थ शेड्यूल है एलोकेशन ऑफ सीट टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट अमेंडेड। अगर कोई नया क्या बनाना है, हमें स्टेट बनाना है, तो विच वन ऑफ द शेड्यूल, किस शेड्यूल को हमें अमेंड करना पड़ेगा। तो ये 2001 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपने जरूर सुन रखा होगा आई होप। तो पहला जो शेड्यूल है उसमें हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला शेड्यूल है वही इस बात पर जोर देता है कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की एंट्रीज के बारे में वही बात करता है, उसी में सारे स्टेट और लिस्ट का जो है विवरण दिया गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में, क्योंकि सेकंड में सैलरी है, थर्ड में ओथ है, और फोर्थ में क्या है, राज्यसभा की सीटें के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या किया गया है, मैच द फॉलोइंग है, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने शेड्यूल हैं, और दूसरी तरफ है सब्जेक्ट मैटर। तो जो 9th शेड्यूल था, ठीक है, इस पर हम लोग बहुत ही डिटेल में बात किए हुए हैं, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें। वो लैंड रिफॉर्म के बारे में जो पहला अमेंडमेंट था उस पर हमने काफ़ी डिटेल से बात की गई है, पूरी नेहरू जी का पूरा एंगल, और लैंड रिफॉर्म, ज़मींदारी, और उसी में रिजर्वेशन वाला एंगल, अम्बेडकर साहब को, सबको डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, और उसके पीछे जो भी पूरी पॉलिटिक्स थी वो भी देखा था। तो 9th शेड्यूल जब भी बात होती है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात होती है, अगर यहाँ पर कभी जमींदारी अबोलिशन या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कुछ पूछा जाए, तब भी आप जो है कॉमन सेंस का यूज़ किया करिए, मे बी वो भी सही हो सकता है। जो 8th शेड्यूल है वो 8th शेड्यूल बात करता है लैंग्वेज के बारे में, जो 4th शेड्यूल है वो बात करता है काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में, और जो 6th शेड्यूल है वो बात करता है ट्राइबल एरियाज के बारे में। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 को केयरफुली एग्जामिन करेंगे देन यू विल फाइंड ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ए का 3, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1999 में पूछा गया है, 1999 में, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, आप ध्यान रखें, और आप ये मिला भी सकते हैं पॉज करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टी इज माइट बी डिक्लेयर्ड न लैंड वाइड। देखो यही क्वेश्चन 2000 काफ़ी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया। देखो ये जो शेड्यूल से आपको मैं बताऊं, जो फर्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल से बैक टू बैक 2018-19 दोनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग, ठीक
ठीक है, माइनिंग वाइनिंग का इशू काफ़ी चल रहा था, काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे, बी डिक्लेयर नल एंड वाइड। तो इसमें जो फिफ्थ शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल देखो काफ़ी प्रोटेक्शन देता है, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिफ्थ शेड्यूल में पाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट इन द केस ऑफ सामंत वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर डिक्लेयर दैट द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट प्रो पार्टीज फॉर माइनिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइड एंड इन ऑपरेटिव। ठीक है, तो फिफ्थ शेड्यूल ने, क्योंकि आपको पता कि फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल क्या करते हैं, जो है ट्राइबल और शेड्यूल्ड कास्ट के प्रोटेक्शंस के लिए या शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बात करते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की भी बात होती है, तो फिफ्थ और शेड्यूल सिक्स शेड्यूल का आप कंफ्यूजन भी दूर करें, क्योंकि हम लोग ऐसे शार्प रिवीजन कर रहे हैं जहां पर आपको पॉज करके आपको अपनी अंदर भी झांकना है। अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल ट्राइबल लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्राइवेट पार्टीज। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात है। ठीक है, तो इसमें फिफ्थ शेड्यूल जो है वो प्रोटेक्शन करता है ट्राइबल लैंड की। ये बहुत बड़ा जजमेंट था जब माइनिंग की बात कही गई, इस पे ढेर सारे आर्टिकल्स भी आए होंगे, और आई होप आप इसके इससे गुजरे भी होंगे, आपको ये इशू पता भी होगा। मैच द फॉलोइंग लिस्ट, वो पहला लिस्ट एंड सेकेंड लिस्ट दिया गया है, इसको मैच करना है। देखो सेवन्थ शेड्यूल किस बारे में बात करती है, एट्थ शेड्यूल किस बारे में बात करती है, नाइन्थ शेड्यूल, टेंथ शेड्यूल। अब टेंथ शेड्यूल देखो राजीव गांधी जी के समय हुआ था, डिस्क्वालिफिकेशन 1985 में। ठीक है, उसके बाद में एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं ना, दल बदल कानून है इसे, और उसके बाद में वैलिडेशन ऑफ सर्टिन एक्ट। ठीक है, अब इसी के पीछे पूरी फर्स्ट अमेंडमेंट घूमता है। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट इसीलिए किया गया था, इसमें नाइन्थ शेड्यूल ऐड कर दिया गया था, तो जो है सी जो है वो नाइन्थ शेड्यूल में ऐड कर दिया जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, एंड एट्थ शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में बात करता है, एंड अगला जो बचता है ए यानी सेवन्थ शेड्यूल, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात करता है, यानी सेंटर स्टेट रिलेशन से आप यहाँ पर आ सकते हैं सीधे। तो जो ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगर आप इसको केयरफुली एग्जामिन करेंगे। हमने जो है ऊपर मैच द फॉलोइंग कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, क्वेश्चन नंबर 23 जो है 2019 में पूछा गया है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है इन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। तो इसके रेस्पेक्ट में हमें ये इंट्रीज पे क्वेश्चन है कि जो ये लिस्ट बनी हुई है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और इसमें शेड्यूल भी दे दिया गया, 10th शेड्यूल एंड 2nd शेड्यूल, कन्फ्यूजन के लिए या क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है कि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन किस में आता है। देखो ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये सही है पहला। ठीक है, स्टेट लिस्ट में ही आता है। सेंसस यूनियन कराती है, सेंसस कौन कराता है, जनगणना केंद्र सरकार कराती है, तो यूनियन लिस्ट ये भी सही है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये क्या है, सेकेंड शेड्यूल में आता है, नहीं सेकेंड शेड्यूल में नहीं आता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट ये फोर्थ शेड्यूल में आता है, तो ये गलत है, इज नॉट करेक्टली मैच। एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में ये सही है, तो इसमें आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है, नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द पार्ट 8 शेड्यूल। आपको पता है आठवीं जो शेड्यूल है, वर्तमान समय में 12 शेड्यूल हैं, इनिशियली में 8 शेड्यूल हमारे पास थी, तो जो 12 में से जो आठवीं शेड्यूल है वो लैंग्वेज के बारे में बात करती है। इसमें से स्टार्टिंग में जो है जब बात की गई थी, तो जब ये शेड्यूल बनाया गया था तो 14 लैंग्वेज थी, इस समय इसमें 22 भाषाएं हैं, लेकिन इन 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा इंग्लिश नहीं है। ठीक है, वो सारी इंडियनाइज भाषाएँ हैं, भारत की भाषाएँ हैं, उसमें कई सारी ट्राइबल भाषाएँ हैं, प्राचीन भाषाएँ हैं। और आपको एक चीज़ मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस लिस्ट में आने के लिए, जैसे ये 22 भाषाएं हैं, 14 थी स्टार्टिंग में, उनको 22 में ऐड किया गया, तो क्या क्या जो है क्वालिटीज़ होनी चाहिए लैंग्वेज में, कौन कौन से कंडीशंस हैं, वो आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 इज कलहो केस इज़ रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कभी गूगल करके इसको ज़रूर पढ़िए, हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो नाइन्थ शेड्यूल है, जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट की बात कही जाती है, जिसमें लैंड रिफॉर्म की बात की जाती है, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ बात की जाती है, जिसमें ज्यूडिशियल रिव्यू को कर्टेल किया जाता है, उसी पर ज्यूडिशरी ने 2007 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था।
कि जो 9th शेड्यूल है इसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर सकता है, इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, ये इस पर ज्यूडिशियल स्क्रूटनी, ऐसा नहीं है कि अब ये बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें 9th शेड्यूल की बात ये कही जा रही है, उसी से रिलेटेड है कैलोह केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन द टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैज बीन इंक्लूडेड इन द। तो आप, मैं बताऊं कि स्टेट लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्शन देने के लिए, मैंने आपको कहा ना, जमींदारी अबोलिशन की बात हो या फिर इस लैंड रिफॉर्म की बात हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ कहीं जो सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई थी वो पहली अमेंडमेंट थी, और जिसमें जुडिशरी को भी क्या किया गया, उसके रिव्यू से दूर रखा गया। लेकिन 2007 में जुडिशरी ने कहा कि नहीं भाई, अब बहुत हो गया, हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो ये अगेन 9th शेड्यूल की ही बात कही जा रही है। मैं आपको फिर से सलाह देता हूँ, 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट पर 10-20 मिनट का अपना क्वेश्चन टाइम खर्च कीजिए, क्योंकि इसमें आपको कई सारे एंगल, कई सारे पॉलिटिकल एंगल, कई सारे सोशल एंड इकोनॉमिक एंगल सीखने को मिलेंगे। कोई बढ़िया ढंग का आर्टिकल सर्च करके जरूर पढ़ें। द 9th शेड्यूल वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर। देखो शेड्यूल पर मैं आपको बता रहा हूँ, 2017-18-19 में लगातार वो भी 9th शेड्यूल पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों? अब इस पे पीछे की जो पॉलिटिक्स है उस पे मैं उस पे कमेंट ही नहीं करना चाहता हूँ। द 9th शेड्यूल ऑफ वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर। कौन से उस समय प्राइम मिनिस्टर? नेहरू साहब थे। क्यों? क्योंकि 9th शेड्यूल पहले ही अमेंडमेंट में तो ऐड किया गया था। उस समय राज्यसभा भी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी। सबसे मजे की बात है कि जब 9th शेड्यूल का पहला अमेंडमेंट हुआ तो उस समय राज्यसभा का एग्जिस्टेंस नहीं था, क्योंकि लोकसभा जो है पहली बार वो असेंबली बनी थी, और 1951-52 में ही ये जो है मूव करा लिया गया था। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखें। 9th शेड्यूल को अच्छे से पढ़ें, पहले अमेंडमेंट को, और इसमें कैलहो केस को पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ें, जुडिशियल रिव्यू का एंगल जानने की कोशिश करें, रिजर्वेशन का एंगल जानने की कोशिश करें, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को जो रिजर्वेशन की बात की गई, 10% कोटा इसी से संबंधित है, बहुत सारे एंगल इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई एक अच्छा आर्टिकल सर्च करके आप पढ़ें। द यूनियन लिस्ट में कितने एंट्रीज हैं, स्टेट लिस्ट में कितनी एंट्रीज हैं, कंकरेंट लिस्ट में कितनी एंट्रीज हैं, इससे इस चीज़ से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 में यही सारी बातें की गई हैं, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में एंड कंकरेंट लिस्ट में। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। मैं आपको बताऊं कि जो पहला है वो सही है, पहला इसमें सही मारा जो दिया गया है मिलान, वो सही है कोड, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में इस समय 52 सब्जेक्ट हैं, कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं प्रेजेंट टाइम में। स्टार्टिंग की अगर बात कहें तो स्टार्टिंग में इसमें 47 जो है सब्जेक्ट थे, बाद में इनमें इंक्रीज किया गया। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन उसको अभी 59 बचा कर रखा गया है, क्योंकि उसमें सब मूव करा दिया गया कंकरेंट लिस्ट में, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तब। तो अगर आप देखेंगे, केयरफुली एग्जामिन करेंगे, तो आपको ऑप्शन बी नज़र आएगा। ऑप्शन बी इसमें यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन बी इसमें सही नज़र आएगा, क्योंकि ए सही है, बी का स्टेट लिस्ट का सी सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेट लिस्ट में कितनी एंट्रीज थी, 66, ठीक है। ये अभी स्टार्टिंग की बात है, अभी जो है 59 ही है स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट, और कंकरेंट लिस्ट में स्टार्टिंग में कितने थे, 47 थे। तो ये हमें लगता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में जब तब का क्वेश्चन है, हालांकि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हालांकि इसमें लिखा नहीं गया है कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो 42 अमेंडमेंट के पहले बनाया गया के आधार पर आधारित है। 42 अमेंडमेंट के बाद जो है ये एंट्रीज चेंज हो जाती हैं, कि इनके नंबर्स चेंज हो जाते हैं, एक्सेप्ट यूनियन लिस्ट। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग किस में दिया गया है? देखो इसमें बहुत ज़्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड सोशल डेवलपमेंट का थोड़ा सा भी अगर आप एंगल DPSP वाला लगाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंकरेंट लिस्ट है भाई। वेलफेयर स्टेट जो है ये डायरेक्शन किसको दिया गया है? सेंटर को भी दिया गया है और स्टेट को भी दिया गया है कि आप अपने स्टेट को कैसा बनाएं। इसमें वेलफेयर स्टेट वाले गुण होने चाहिए, आप इकोनॉमिक प्लानिंग कीजिए,
ठीक है, तो इसकी एंट्री 20 है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 20, आप ये भी याद रखें, इसमें एंट्री 20 है। कंकरेंट लिस्ट एक बार आप नज़र से ज़रूर पढ़ें। द लिस्ट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, और प्लानिंग कमीशन भी सेंटर ने इसीलिए बनाया था, और स्टेट में भी कई सारे स्टेट ने भी ऐसे कमीशंस बनाए थे, बट वो उनका उतना, या फिर समय समय पर ऐसी कमेटीज़ बनाते हैं जो इकोनॉमिक प्लानिंग को मॉनिटर करते हैं। बट प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग पर हम ढेर सारे क्वेश्चन देखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द लिस्ट। देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग भी बैक टू बैक क्वेश्चन है, ये 2002 में पूछा गया था और ये पूछा गया 2006 में, तो अगेन इसका आंसर हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। देखो, कंकरेंट लिस्ट में क्या है, पुलिस किसका सब्जेक्ट है, पुलिस पर किसका अधिकार है, स्टेट का। रेडियो एंड टेलीविजन पर किसका अधिकार है, सेंटर का। फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन पे किसका अधिकार है, सेंटर का। तो बच क्या जाता है, क्रिमिनल मैटर्स, जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उसमें सेंटर और स्टेट दोनों को अधिकार होता है, इसलिए ये कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। एंड दिस क्वेश्चन आज इन 2011 और 5 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 2004। विच आर द फॉलोइंग एंट्री सब्जेक्ट टू द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है, ये 1993 में क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप कंकरेंट लिस्ट पढ़े हैं तो आपको, देखो इससे पहले भी हम लोग पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हमें एक जगह और ये ऑप्शन मिला था, तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन ये स्टेट के अंतर आता है, पर पर्सन टैक्स ये भी स्टेट लगा सकती है, ठीक है, स्टेट में आता है। ट्रेजर ट्रेवल ये भी स्टेट के सब्जेक्ट हैं, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग आती, ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए जो है कंकरेंट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में ये सब्जेक्ट रखा गया है। इस पे सेंटर और स्टेट समय समय पर इस पे बात भी होती है, और आजकल तो काफ़ी पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग और टू चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी पे इंडिया में भी काफ़ी बहस चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या है, एजुकेशन है। देखो, एजुकेशन है, इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है पूरी, 42 अमेंडमेंट वाली, कई सारे ऐसे चीज़ें थी जो स्टेट लिस्ट से या मूव करा के किस में डाली गई थी, कंकरेंट लिस्ट में, उसमें से एजुकेशन भी था, ठीक है, ये 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। डिफेंस तो पूरा मैटर है किसका, डिफेंस मैटर है सेंटर का, और पुलिस है, पुलिस मैटर है स्टेट का। एग्रीकल्चर किसका मैटर है, ये आप बताएं, ठीक है, इस पर देखें, एग्रीकल्चर पे किसको अधिकार है, सेंटर को या स्टेट को या दोनों को, ये 2005 में क्वेश्चन था। देखो, अभी कई बार मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए भी दे दिया हूँ, क्योंकि अभी फार्म बिल वगैरह का बहुत वो हो रहा था, और पंजाब वगैरह ने अलग से जो है कानून बना के सेंटर के लॉज को चैलेंज किया है। इसमें इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली आगे, कि क्या जो सेंटर के लॉज हैं उसको स्टेट असेंबली जो बना के नलीफाइड कर सकती है, तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर दिया है। हालांकि देखो, ये घटना चक्र में क्वेश्चन एज इट इज़ ही दिया गया जाता है, ठीक है, जैसे ऑप्शन अभी अभी सपोज करो, अगर एग्रीकल्चर यूनियन लिस्ट में है या कंकरेंट लिस्ट में है, वो अभी है ना, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया 2005 में तो वो इसी तरह पूछा गया था। तो हम लोग जो एक बुक देख रहे हैं जिसमें पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चन, तो समय के साथ अगर आपके मतलब नीतियाँ चेंज हो जाती हैं, तो ऑप्शन तो भाई अगर कोई किताब वाला बना रहा है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन तो आपको उसी टाइम के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो अभी प्लीज़ आप चेक करें कि एग्रीकल्चर किस लिस्ट में आता है। एजुकेशन वॉज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट, वॉज ट्रांसफर टू द कंकरेंट लिस्ट बाई द 42 अमेंडमेंट। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, 42 अमेंडमेंट, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वॉज, देखो फिर से बैक टू बैक क्वेश्चन 2008 में एंड 2017 में, एजुकेशन को स्टेट से कंकरेंट में डाला गया बाई 42 अमेंडमेंट। विच वन ऑफ द गिवन सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, फॉरेस्ट, स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक एंड सेविंग बैंक। देखो, पोस्ट ऑफिस किस में आता है, ये तो आपको पता ही होगा, अगर थोड़ा सा भी है तो ये यूनियन में ही आता है। पब्लिक हेल्थ किसका इशू है, स्टेट का ही है। उसके बाद में फॉरेस्ट किसका है, कंकरेंट का है। और उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज किसका है, स्टॉक एक्सचेंज सेंटर का है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, ये सेंटर का रिलेशन है, इज नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 36 का ऑप्शन बी सही होगा। आप ये ध्यान रखें, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एंड द पोस्ट
ऑफिस सेविंग बैंक्स आर द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट वेल पब्लिक हेल्थ इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, फॉरेस्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। फॉरेस्ट को इनिशियली स्टेट लिस्ट में रखा गया था बट विद द पैसेज ऑफ टाइम 42 अमेंडमेंट किया गया एंड फॉरेस्ट वॉज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट। तो ये 36 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं, अगला हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट ऑनवर्ड्स, क्वेश्चन फ्रॉम 37 ऑनवर्ड्स देखेंगे अगले।